प्यारे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सभी बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू, और वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्वीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो साथ में घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अगर साड़ी आज की वीडियो साढ़े बहनों बहनों अच्छी लगी है, इसमें लाइक और शेयर करिए। तो अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो ये साड़ी वीडियो कुछ इस तरह है कि सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह रात ही अल्लाह पाक की अच्छी भली रहमत हो गई है, तो हल्की फुल्की बारिश पई है। तो ज़्यादा बारिश की अच्छा जरूरत भी नहीं होंगी है, क्योंकि एक तो चने की वढ़ाई शुरू हो जोर की, तो कणक में भी ज़्यादा बारिश का नुकसान है। तो हूँ जोड़ा सा लूसन आनू असी अजे फिलहाल नहीं वढ़न जावे, सब तो पहला चल असी जवा बीजे, सब तो पहला जवा वढ़ते हैं, तो उस तो बाद फिर लूसन जोड़ा पानी बारिश ने गिला हो खुश्क हो जाए तो फिर लूसन वढ़ांगे। अजे भी हल्की फुल्की बारिश पै रही, कोई टावी टावी क्यों नहीं आ रही, अगे तो कोई नहीं आ रही, करीब हूँ शुरू हुई है, कोई टावी टावी क्यों नहीं पैंती पई है। रात बारिश पैण के वजह न दरख्तों की काफ़ी रौनक बन गई है, जो दरख्तों के उपर से धूड़ मिट्टी घटा वो भी नीचे आ गई है माशाल्लाह। तो हूँ चलते मैं और बेजूल पट्ठिया जवा बढ़न चलते हैं, तो हल्की फुल्की बारिश टावे टावे किनिया पै रही हूँ। माशाल्लाह साढ़े आम के पौधे ने कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तो जिन्ना फल लगा अगर कामयाब हो जाए तो फिर तो कि आम सीजन रज के खावे अपने पौद्या के माशाल्लाह। इस पौधे ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है, और सामने पौधा है उसनू नहीं लगा है, तो दो चार दिन भी एक दो लगे हुए बूट के दाने जे उसनू, तो इस सामने भी गुजारे का है, इन्ना ज़्यादा नहीं है लेकिन गुजारे का फल हैगा है। तो जो साढ़े दो बड़े आम माशाल्लाह उन्होंने देखी काफ़ी फल आ, गंढे मुकम्मल की गोडी की हुई असी, तो हम इन्हू पावे खाद तो उपर लगा देंगे पानी, गंढे माशाल्लाह ठीक ग्रोथ करते पे आ। तो बाद जो लूसन की पानी लैके जा रहे हैं, तो हम वढ़ते असी जवा लूसन वढ़ लिया है, रात बारिश हल्की फुल्की हवा सी, तो उस नाल लूसन साडा भी लंबा पै गया दोबारा। तो माशाल्लाह जो असं नवे पौधे लगाए थे इस दफ़ा काफ़ी पौधों ने माशाल्लाह ठीक ठाक फल आ, तो एक ग्रेड फ्रूट का पौधा माशाल्लाह इस भी फल लगा हुआ, अल्लाह करे भी कामयाब हो जाए। तो बीटी आवाज़ दे रही कि जैसे जी रोटी बन गई है, तो रोटी खा लो आके। इस पौधे में भी ग्रेड फ्रूट था लेकिन इन्हें फल नहीं चक्या है, चलो कोई नहीं अगले साल चक लेगा। तो अनारा का पौधा माशाल्लाह इसने ठीक ठाक फल चक्या है, अल्लाह करे भी कामयाब हो जाए। तो माशाल्लाह अनारा का पौधा सा बड़ा मज़ेदार है, लेकिन अनार काफ़ी लगते, तो लेकिन अगे तो छोटा सी माशाल्लाह कि ठीक ठाक बड़ा हो गया, तो ये काफ़ी अनार फिर चिड़ियाँ कां कूं खा जाते, कोई सानू भी लभ जाते, कोई परिंदे खा जाते, फिर उन्होंने भी खाना ही है। तो मिठे के पौधे ने माशाल्लाह काफ़ी फल आते, ये नाल इसे लगाई हुई है अंगूरों की वैल, वो भी देखने वो की सूरत हाल अपने नाल अपने देखने लगे नमें दिखा लेंगे, वह भी असं मिठे के उपर ही लगाती थी मिठे के नाल ही, इसी असं मिठे के उपर ना वेल खिलार करेगी। तो ये ग्रेड फ्रूट का पौधा माशाल्लाह इसने भी ठीक ठाक फल चुका हुआ, आ लगाई हुई है असी भी अंगूरों की वैल सामने नाल आ जाना, मिठे का पौधा मिठे के पौधे के नाल ही लगाई हुई तकरीबन चार फुट हटमी मिठे तो, तो मिठे के उपर चढ़ती पई है वैद, तो पिछले साल असी लगाए सी अजकल, तो इस साल उम्मीद बड़ी कि फल चकेगी। तो उपर पौधे तो माशाल्लाह ठीक ग्रोथ करते पे, अल्लाह करे तो अंगूर चके तो फिर घर दे अंगूर हो जाएंगे, लेकिन होनिया तो दाख ही जो चमन दे अंगूर वह तो नहीं होने, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे। तो जवे च आ गए हम, पहला खाना खाई तो उस तो बाद फिर जवे के पट्ठे वढ़ते हैं। तो जो असी अनारा का पौधा लगा के लगाया सी तकरीबन अज तो तीन महीने पहला लगाया सी माशाल्लाह, तो यह भी ठीक ठाक चल गया, तो यह भी हूँ फुटदा पिया है फल, मैंने उम्मीद है कि भी चकेगा। तो मरूदों का पौधा लिया के लगाया, मैंने लगता है कि यह नहीं चलेगा, सुक गया,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਲਗਾਏ ਸੀ ਚਾਰ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਪੌਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰ ਕੱਚੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚੌਂਦ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੇਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨੀਚੇ ਕਿਰ ਗਏ ਬੇਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭੌਣ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਪਰੌਂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਆਮ ਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮੱਖਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਘੀ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਚੋਪੜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਕੀ ਬਸ ਬਸ ਦਾਦਾ ਚੱਲ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੇਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਾਲ ਚਨੇ ਬੁਰੀ ਪੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਸੂਰੀ ਮਿਰਚ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੀ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਦਤਰੀ ਮਿਰਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਲੀ ਬਣਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
जी सी दाल चने जी सी दाल के चन अबोट करके रखी हुई तीन हाँ जी पा लाँगे तड़के दे फिर ला के अंक साढ़े तेरे चन की दाल उस तो बाद 15 मिनट 10 मिनट पकाने पैंती ना हाँ जी ढले चने की दाल जी अबोल करके रखी थी उसकी अंक पा रही है हूँ अग बुझा देंगे हल्के हल्की आँच से करीब करीब इसमें 10 मिनट तक पकावे तो दाल साड़ी बिल्कुल बन जाएगी हाँ जी तो शाम का टाइम हो गया शाम दूध पीने वास्ते बच्चों वास्ते अपने सभी वास्ते दूध गर्म हो रहा है अपनी मर्जी आटा लाइए फिर भी लगा देंगे ते वैसे तो वेच वैसे भी बेचते है तकरीबन 10-12 बजे गुस्सा है जिद कर दे अजकल रोटी बस मिली दो फिर मैं माल दो दफा पट्ठे पाया सालन बन गया सालन जी पाया देसी घी पा के सालन तो आज जी साड़ी वीडियो से इतने तक की अगर साड़ी वीडियो साड़े बहन भाई ने अच्छी लगे इस लाइक और शेयर करियो और इस जिन्हें बहन भाई ने अज तक आवास वीर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लियो अगर साड़े चैनल सब्सक्राइब किया तो घंटी के बटन जरूर प्रेस करो ताकि असं जी भी नवी वीडियो बनावेंगे उसका नोटिफिकेशन थोड़ा परफेक्ट मिलता रहेगा तो कल फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के नाल उद तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखियो तो अपने आवास वीर रखियो दोवें याद अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।